पिछली वीडियो च असी गाना सुनिया सी बब्बू मान दा लोहड़ी ते लोहड़ी दे बारे च असी कहा सी तुहानू नेक्स्ट वीडियो च मिलांगे ते गलबात करांगे लोहड़ी की हुंदी है ते लोहड़ी दे बारे च ना बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ओह असी तुहाडे नाल शेयर करने आ ते असी भी जानने आ लोहड़ी की है ते चलो तुहाडे नाल भी मिल के लेकिन लोगां ने ना दुल्ला भट्टी नूं सिर्फ लोहड़ी तक ही महदूद रख दिता हुण इन्हां दोनों दा आपस च की कनेक्शन है आपां जाणांगे इस वीडियो च बिलकुल इस वीडियो च जाणांगे दुल्ला भट्टी दा नां जिहड़ा है चढ़दे पंजाब च बहुता है साडे इत्थे लहिंदे पंजाब नालों हालांकि पिंडी भट्टियां दे लहिंदे पंजाब दे ने ओह चलो लोहड़ी दे बारे च जाणदे आ ते वीडियो स्टार्ट करदे आ कि जदों थोड़े सर्दियों के दिन होंदे सी ना ते असी कोई 15-20 दिन या एक महीने का एक टारगेट रख्या हुंदा सी कि असी मुख्तलिफ जिहड़े पिंड दे घर ने उन्हां घरां जावांगे असी दरवाजे खड़कावांगे असी उन्हां कोलों आटा लवांगे चौल लवांगे असी उन्हां कोलों घ्यो लवांगे शक्कर लवांगे गुड़ लवांगे पताशे लवांगे और लकड़ियां इकट्ठियां करके अग बालना अग दे चार चफेरे बह जाना उत्थे मुख्तलिफ किस्म दे गीत गाने और खास ज़्यादातर गीत ऐसे हुंदे सन कि जिन्हां दा कोई शायर या मुसन्नफ नहीं उन्हां ने असी लोक गीत आने या लुकाई दे गीत आने लोहड़ी बेसिकली 13 जनवरी हर साल 13 जनवरी मनाई जाती है एक कमेमोरेट किया जाता है दुल्ले भट्टी नूं यह आख्या जाता है कि दो ब्रह्मन हिंदुआं दियां कुड़ियां सन उन्हां नूं मुगलां दे फौजी जिहड़े ने ओह चुक के लै के जा रहे सन जदों दुल्ले भट्टी नूं पता लग्या ओह उन्हां कुड़ियां दी इज्जत बचाउण वास्ते उन्हां कुड़ियां नूं उन्हां फौजियां कोलों लड़ के ते वापस छुड़ा के लै आया लिया के फिर उन्हें रात दे समें ही उत्थे अग बाल के लकड़ियां दे नाल एक अग मचा के उहदे गिरद बह के गीत गा के बड़ी धूमधाम नाल बड़ी इज्जत नाल उन्हां दोवां कुड़ियां दी शादी कीती ते उस टाइम बेसिकली एक गीत भी वजूद च आया है जिन्हों आख्या जाता है कि सुंदर मुंदरीए हो तेरा कौन विचारा हो दुल्ले भट्टी वाला हो असल जेड़ा साडे बुजुर्ग राजस्थान की एक रियासत है बठनेर उस तो बिलोंग करते ने कई लोग ये भी आंदे ने जी दुल्ला जेड़ा ना वो हाय कोई ना नहीं नहीं मतलब एवें मतलब मन घड़त वो कहानी जिवें आंदे ने दुल्ला सी ये 8 भाई सन फरीद दे पुत्र और 8 ही बहादुर सन इन्हां च बोस दे लेख भी नहीं सी क्योंकि राजपूत खानदान की सिफत ही है कि वह जंगजू और लड़ाका होंदा है अगर वह जंगजू और लड़ाका नहीं तो राजपूत नहीं दुल्ला भट्टी इत्थे मौजूद है सी वह बेसिकली उन्हें बगावत की है और अकबर उस बगावत नूं सप्रेस करन वास्ते उस रिवोल्ट नूं कुचलन वास्ते अपना कैपिटल जिहड़ा वह दिल्ली तो उन्हें लाहौर शिफ्ट किया है उन्होंने क्रैडिट यह जाता कि 3 पुश्तां तक उन्होंने उस टाइम के जिहड़े मुगल हुक्मरान ने उन्होंने खिलाफ लड़े तो जिहड़े गवर्नमेंट दिन ब दिन साढ़े ते टैक्सेस वधा रही है साढ़े तो जुल्म ज्यादती कर रही मुजारियां ते या किसानां ते असी वह नहीं करन देवांगे उस अकबर बादशाह के खिलाफ एडे वड्डे लैवल से एक आम आदमी का बगावत करना मान ही रखता है तो दुल्ला भट्टी बेसिकली रेजिस्टेंस की अलामत है तो शाह हुसैन ने जदों दुल्ले भट्टी नूं फांसी दी गई उदों ये बोलिया सी कहे हुसैन फकीर साईं दा तख्त ना मिलदे मंगे यानी कि उन्हें दुल्ले भट्टी नूं आख्या कि दुल्या तख्त जिहड़े ने ओह छीन के लैणे पौंदे ने ते ब्रिटिश लगेसी दे विच जिहड़ा दुल्ला भट्टी ओह चोर डाकू लुटेरा ओह हीरो नहीं ते लोहड़ी दा जिहड़ा फेस्टिवल है जाहिर है जदों ओह होवेगा फिर दुल्ले नूं याद रख्या जाएगा जदों दुल्ले भट्टी नूं याद रख्या जाएगा फिर मजामत आएगी हुण ते जाहिर है सैलीब्रेट नहीं किया जाता या मनाया नहीं जाता रिलीजन दे ओह इतराज़ू विच तोलदे आ कि नॉन मुस्लिम्स दा असीं मुसलमान हाँ लिहाजा असीं इहनूं सैलीब्रेट नहीं करांगे सैकंडली साडी जिहड़ी मिडल क्लास है खास तौर पर वह लोग उन्होंने अंदर एक ऐसी चीज़ भर दी गई है वो पंजाबी जबान और पंजाबी कल्चर तो नसते हैं मेरी अपनी मिसाल है कि मैं पता है कि मेरी वाइफ जी है जो मैं अपनी बेटी ना पंजाबी बोलने की कोशिश करना तो वह कहती तू बच्ची बिगाड़ रहा है
मतलब असि अगर मादरी जुबान के नेड़े होंने या अपने कल्चर के नेड़े होंने या अपनी रिवायात के नेड़े होंने इट डजेंट मीन कि असी इलिटरेट हाँ, इट डजेंट मीन कि असी मॉडर्नाइज नहीं है, लेकिन जाहिर है ये चीज़ां इस टाइम साढ़े अंदर मौजूद हैं ने और ये शायद यही तीन वजूहत ने जिस वजह तो मेरा यह ख्याल है कि लोहड़ी जी है ना वो साढ़े च नापैद हो चुकी है और साढ़े बारक्स जो एक चढ़दा पंजाब है उन्होंने लोगों ने उन्होंने प्रिजर्व किया, उन्होंने सैलीब्रेट भी करते हैं तो उन्होंने लैके भी चलते हैं। जिहड़ी आखिर च गल कीती इन्होंने कि चढ़दे पंजाब वाले जिहड़े ने उन्होंने हिस्टरी नूं याद रखिया है ते वाकई सही गल है, सानूं लोहड़ी का कोई नहीं सी पता, हालांकि दुल्ला पट्टी जिहड़े ने इह लहिंदे पंजाब तों ताल्लुक रखदे सन ते जिहड़ी इन्होंने मुगलां दे खिलाफ मजामत कीती ते उन्हां दे जिहड़े काफले जांदे सन उन्हां नूं ललकारिया ते बिलकुल सानूं इह चीज़ याद रखनी चाहीदी सी बिलकुल, क्योंकि उन्हां ने ते मजलूमां दा साथ दिंदे सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੈ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਘਰ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਗਾੜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਇਕੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।